आज बात आपकी प्यास से जुड़ी हुई है और यहाँ मुद्दा पानी की कमी का नहीं बल्कि प्रशासन की उस नाकामी का है जो एक बार फिर चिलचिलाती हुई गर्मी में पानी तो नहीं दे पा रहा लेकिन पानी की बर्बादी में पूरा रोल निभा जरूर रहा है। क्या आप जानते हैं कि अपने घर में 20 लीटर की एक सामान्य बाल्टी भरने में कितना वक्त लगता है? हम गणित लाकर आपको बताएंगे कि नल से बहता हुआ ये पानी कैसे खोलेगा प्रशासन की पोल, जिसकी बदौलत कई गैलन पानी आज देश की सड़कों पर यूं ही बहकर बर्बाद हो रहा है जबकि प्रशासन सो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर उस प्रशासन की घंटी बजाइए। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। देख रहे हैं आप, कई मौकों पर देश से पानी बचाने की गुहार लगा चुके प्रधानमंत्री को आपने सुना, जबकि दाहिने ओर दिख रही है जगह जगह प्रशासन की लापरवाही की तस्वीर। बेतहाशा बिना किसी लगाम के यहाँ वहाँ सड़कों पर यूं ही बहता पानी और पाई ओर वो तस्वीर जो हमें दशकों बाद का ट्रेलर दिखा रही है। आज की तारीख में ही बूंद बूंद को तरसती जनता, गड्ढों में बर्तन से दो बूंद समेटकर जिंदगी की जंग लड़ते लोग। हम किसी भी छोटे बड़े शहर में रहते हों, पानी का सप्लाई घर में कैसा भी हो, लेकिन किल्लत का सामना किसी न किसी रूप में सबने किया है और ऐसे में इस तरह पानी वेस्ट होता देखकर दिल दहल जाता है। खुले नलों, फटी पाइपलाइन और टंकियों पाइपों से रिसता ये पानी न जाने जिंदगी की कितनी बूंदें खुद में समेटे बस बर्बाद हो रहा है। ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों के कुछ जिम्मेदार लोगों ने प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए हाल ही में सोशल मीडिया पर डाली। यानी मई के महीने में ये हाल है जब देश में हर साल की तरह पानी को लेकर त्राही त्राही मची है। सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी तस्वीर ये देखिए, तेजी से फूटता लापरवाही का झरना। यह भोपाल के MACT का हफ्ते भर पहले का वीडियो जिसमें पाइपलाइन से तेज धार पानी बहा जा रहा है। कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने 15 मई को ये वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा, जब प्रदेश की राजधानी भोपाल पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है, ऐसे समय में MACT चौराहा रिवेरा टाउन के पास इस प्रकार पानी बर्बाद हो रहा है जो कि घोर निंदनीय है। स्थानीय प्रशासन बेसुध है, जनता बेहाल है। ये ट्वीट टाइमलाइन से हटा लिया गया जैसे ही ABP न्यूज खबर की पड़ताल के लिए वहां पहुंचा और पाया कि टाइमलाइन दुरुस्त कर दी गई। भोपाल के रिवेरा टाउन का यही वो पॉइंट है जहां पर पिछले 4 दिन तक लगातार पानी बहता रहा और जब इसके बाद इस जगह का वीडियो वायरल हुआ, यहां के विधायक PC शर्मा ने यहां का वीडियो लेकर उसका ट्विटर पर डाला, तब कहीं जाकर नगर निगम की नींद खुली और फिर इसको ठीक किया गया। मगर 4 दिन तक निर्बाध रूप से यहाँ पे कई गैलन पानी बहता रहा। इसके अलावा भी भोपाल में पिछले 4 दिनों तक पानी का गजब संकट रहा क्योंकि ये जो कोलार पाइपलाइन थी उसमें कहीं मरम्मत की गई थी जिसके चलते लोग परेशान होते रहे। लोगों को उम्मीद थी कि भोपाल अब स्मार्ट सिटी बन गया है जिसके चलते ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें नहीं होंगी। 2-3 दिन तक फूटी रही, 3 दिन नल नहीं आया हमारा। हाँ, 3 दिन तक नहीं आया नल। यहाँ पाइप फूटी थी और आप लोगों को दिक्कत हो रही थी? हाँ, दिक्कत हो रही थी, हमको बहुत दिक्कत हो रही थी। हमने फिर कहीं कहीं से पानी भरा, इधर मैडम लोगों से भर के ले गए, रिवेरा में काम करते तो यहाँ से भर के ले गए पानी। तो अक्सर फूट जाता है या कभी कभी फूटता है? अक्सर फूटती, वो तो पाइपलाइन हमेशा फूटती रहती है। इतना पानी बहा, कम से कम 1 दिन पूरा पानी बहा यहाँ पे। ये सारी घटनाएं बता रही हैं कि प्रशासन अभी भी लीकेज रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेरने के लिए पहले कांग्रेस विधायक ने वीडियो शेयर किया और अब पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता भी शहर में होती ऐसी बर्बादी पर फिर सरकार पर हमला कर रहे हैं। जब नई पाइपलाइन आप शिफ्ट कर रहे हो तो मालूम होना चाहिए ना क्या होगा और जरूरत क्या थी गर्मी में करने की। और भोपाल में पता नहीं कितनी जगह जहाँ से पानी बह रहा है तो कोई देखने वाला नहीं है। तो ये सब तो आज की तारीख में नगर निगम जो है सभी जितनी चीजें हैं सिर्फ वसूली, उनका मेन उद्देश्य ये है कि कितना ज्यादा राजस्व इकट्ठा हो और जनता को सुविधा मिले, इसकी चिंता नहीं है। पानी की कमी और पानी की बर्बादी पर राजनीति भी चलती रहती है। हमने अनीता का दर्द देखा, देश के दूसरे हिस्सों का हाल दिखाने से पहले समझते हैं कि पानी की ऐसी बर्बादी और प्रशासन की नाकामी के चलते कितने घर इसका नुकसान झेलते हैं, प्यासे रह जाते हैं।
इसे अपने घर के उदाहरण से समझिए। अगर आप अपने बाथरूम में आम नल के बहाव से अपनी 20 लीटर क्षमता की बाल्टी भरते हैं तो उसे भरने में करीब 4 मिनट का वक्त लगता है, यानी 60 मिनट में 300 लीटर पानी और 24 घंटों में 7200 लीटर पानी, और अगर एक हफ्ते तक पानी बहे तो करीब 50,400 लीटर पानी चलते नल से निकलेगा। एक टंकी के ब्रांड के इस मशहूर विज्ञापन में दिखने वाली ये पानी की टंकी सिर्फ 1100 लीटर कैपेसिटी की है, यानी नॉर्मल तरीके से बहने वाले नल से 24 घंटे में ऐसी करीब 10 टंकियां भरेंगी, और कहीं भरा ही ना जाए तो वो सारा पानी बहकर सिर्फ बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए हमें अपने घर में कितने पानी की जरूरत होती है। शहर में रहने वाले एक परिवार के लिए उनके घर में हर दिन की जरूरी खपत होती है करीब 135 लीटर पानी, और अगर परिवार गांव में रहता है तो ये जरूरत लगभग आधी यानी 55 लीटर है। और अब बिना रोक टोक बहते नलों की तस्वीर देखिए। महाराष्ट्र का मुंब्रा रेलवे स्टेशन, यूपी का गाजीपुर रेलवे स्टेशन, यूपी के रामपुर की पाइपलाइनें। हमने आपको एक बाल्टी पानी के जरिए बताया कितना पानी 24 घंटे में भरता है। अब देखिए कि प्रशासन की ऐसी लापरवाही से कैसे हर घर इसका खामियाजा भरता है। अगर 24 घंटे बहते नल से इकट्ठा होने वाले पानी की मात्रा 7200 लीटर है और एक घर की जरूरी खपत 24 घंटों में 135 लीटर है, तो इस गणित के अनुसार 24 घंटे बहने वाले पानी से 53 घर सीधे प्रभावित होते हैं। देश की राजधानी दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों में गुजरे दो महीनों से गर्मी का ताप बढ़ने के साथ ही पानी के लिए तड़प भी बढ़ती जा रही है। उसे देखते हुए लापरवाही के झरने बहाने वालों को वक्त रहते कदम उठाने की जरूरत है। हमने शुक्रवार को ही आपको घंटी बजाओ में दिखाया था दिल्ली का हाल। पानी की तो बढ़ ही रही है, परेशानी तो हो ही रही है। जो पानी नहीं आ रहा, एक हफ्ते से बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। ये पानी इतना नीचे चला गया है कि जहां पर एक आम इंसान का खड़ा रहना मुश्किल होता है, वहां से हम रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। और पानी के लिए मचे इस त्राहिमाम के बीच अब दिल्ली की ये तस्वीर भी देखिए। राजधानी के बेहद चर्चित इलाके प्रगति मैदान में एबीपी न्यूज संवाददाता मेघा को दिखा बर्बाद होता पानी। यहाँ हम आपको दिखाएंगे अपने कैमरे से कि देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ का पाइप फटा हुआ है और ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे पानी भर गया है। गर्मी के महीने, मई का महीना जिसमें पानी की इतनी ज्यादा किल्लत है दिल्ली में, वहीं राजधानी दिल्ली की एक ये तस्वीर भी है जहाँ साफ तौर पे पानी की बर्बादी देखी जा सकती है। ये कोई आज कल की बात नहीं बल्कि तकरीबन कुछ दिनों से ऐसे ही यहाँ पर पानी की बर्बादी 24 घंटे होती रहती है। उस तरफ भी पानी की बर्बादी आपको दिखेगी, उस तरीके से रोड, जहां तक आपकी नजरें रोड पे देखिए जहां तक है वहां तक ये पानी यहां से बहकर तकरीबन वहां तक चला जाता है, और ये हर दिन की तस्वीरें हैं। कई दिनों से बहते इस पानी की वानगी दिल्ली की ये तस्वीर भी है। 19 मई को सोशल मीडिया पर दिल्ली के नजफगढ़ का ये वीडियो एक शख्स ने शेयर किया, जिसे एक महीने पहले भी 21 अप्रैल को इसी शख्स ने शेयर किया था, यानी दो दो बार। साथ में ट्वीट करके दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को शिकायत भी की थी, वो भी दोनों बार, लेकिन 21 अप्रैल से 19 मई तक स्थिति यही थी। शहर में बर्बाद होते पानी की सुध तो बोर्ड ने नहीं ली, लेकिन दो ही दिन पहले पानी की कमी के लिए हरियाणा को जरूर जिम्मेदार ठहराया। हरियाणा सरकार से ये निवेदन रहेगा कि आप थोड़ा पानी जो है वहाँ छोड़े, ताकि दिल्ली के अंदर जो है ये कमी जो है वो दूर हो सके। बार बार ये कहते हैं पानी की कमी, हमारा कहना पानी की कमी अगर शुरू पूरा करना है तो ये जिम्मेदारी केवल हरियाणा की नहीं है, ये उनकी अपनी भी है। हम अपने यहाँ लोगों को प्यासा मार करके और उनको पानी की आपूर्ति करें, ये न्याय नहीं। पानी की कमी पर राजनीति जोर शोर से चल रही है, तो शहरों में यहाँ वहाँ बर्बाद होता पानी का बहाव भी जोरों पर है। जानकारी के मुताबिक अगर एक नल से लगातार लीकेज हो, यानी लगातार पानी धीरे धीरे बहे, तो हर दिन करीब 15 लीटर पानी बर्बाद होता है। डोमेस्टिक वाटर सेक्टर में मेन लाइन, पाइपलाइन, वॉल्व में लीकेज की वजह से घर घर पहुंचने वाले पानी का 30 से 40 फीसदी हिस्सा बर्बाद हो जाता है। अगर लीकेज पर कुछ हद तक भी काबू पा लिया जाए तो ये बर्बादी 10 से 12 फीसदी तक सीमित की जा सकती है। अब देखिए पटना की तस्वीर। इस वक्त हम पटना के गांधीनगर इलाके में हैं। गांधीनगर के ठीक सटे ये HIG का इलाका है। यहाँ पर देखिए पानी अंदर से पाइप से आ रहा है, लेकिन इसमें नल नहीं है। हर दिन हजारों लीटर पानी यहाँ पे बर्बाद होता है। एक बच्ची है, अपना यहाँ पे स्कूल बैग धो रही है। एक महिलाएं थीं,
जो यहाँ पर अपना बर्तन धोने आई थी। यहाँ पर एक दूध वाले हैं जो अपना डब्बा धो रहे थे, लापरवाही की हद है। क्या धो रहे हो? स्कूल ड्रेसर बैग में। हाँ। पानी बहते रहता है? हाँ। पानी बहते रहता है, हम लोग सब भीड़ी करके हम लगाते हैं नल, तो नल रात में चोरी आके तोड़ देता है, सब दिन शिकायत करते हैं। अब आते हैं सर तो है जो कि शिकायत करते हैं, बाकी सर कोई व्यवस्था हम लोग के नहीं करता। पटना नगर निगम से बात की तो उन्होंने भी नल चोरी होने भर की बात करके जिम्मेदारी पूरी कर दी। कोई खोल ही न लेता होगा, तो हम लोग रात दिन तो घूमते नहीं, एक ही जगह तो घूमना नहीं है। वहाँ पे नल लगवाए थे पहले? हाँ, पहले कई एक बार नल लगवाए हैं, हर बार चोरी हो जाता है। चोरी हो जाता है तो इधर फिर लग जाएगा? हाँ, लगवा देते हैं। कल देख रहे लगातार पानी गिर रहा है, लगवा देते हैं उसको, बर्बाद भी हो रहा है। हाँ सर, लगवा देते हैं। और दूसरी तरफ पटना के ही कंकरबाग के मनाही पकड़ी में पीने के पानी का पाइपलाइन 20 दिन से फटा हुआ है, जिसके कारण करीब 10,000 लीटर पानी बहकर बर्बाद हो रहा है। इसे लेकर भी जूनियर इंजीनियर साहब के पास बहाना है, कहते हैं आज ही फटी है पाइपलाइन। अभी तुरंत हुआ है, उसको अभी भेज करके बनवा देते हैं। हाँ, तुरंत हुआ है। केंद्र सरकार ने जल संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिनका जिक्र पीएम मोदी ने पिछले साल वर्ल्ड वाटर डे के दिन जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन के लॉन्च के दौरान एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में किया था, जहां यूपी एमपी के मुख्यमंत्रियों समेत राजस्थान महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के सरपंच और वार्ड के पंच भी शामिल थे। पूरी दुनिया आज ये जल के महत्व को उजागर करने के लिए इंटरनेशनल वाटर डे मना रहा है। बीते 6 साल में इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो या हर खेत को पानी अभियान हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका अभियान हो या नमामि गंगे मिशन, जल जीवन मिशन या अटल भूजल योजना, सभी पर तेजी से काम हो रहा है। सरकारी योजनाएं चलाकर एक तरफ जल संरक्षण के लिए अहम कदम उठा रही हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन की लापरवाही और एक्शन में देरी की वजह से हमारा लाखों लीटर जरूरत का पानी यूं ही बहा जा रहा है। ऐसे में अगर हम अपना अपना पानी किफायत से खर्च करें तो हम भी इसमें बड़ा योगदान कर सकते हैं। पानी बचाना हमारी ड्यूटी भी है। घर में एक कार धोने पर हम एक दिन में करीब 14 लीटर पानी खर्चते हैं। वाटर प्योरीफायर यानी आरओ में हमें पीने के लिए जो पानी निकलता है, उस हर लीटर पानी के लिए 3 लीटर पानी बह जाता है। इस पानी को इकट्ठा करके धोने वगैरह के काम में ला सकते हैं। लॉन, बरामदा, सीढ़ी वगैरह की धुलाई में करीब 570 लीटर पानी खपता है। बाथरूम में नहाने के लिए शावर के इस्तेमाल से 5 मिनट में करीब 37 लीटर पानी खर्च होता है। पानी की एक एक बूंद को बचाना, पानी की किसी भी प्रकार की बर्बादी को रोकना, ये हमारी जीवन शैली का एक सहज हिस्सा बन जाना चाहिए। हमारे परिवारों की ऐसी परंपरा बन जानी चाहिए जिससे हर एक सदस्य को गर्व हो। और अब राजस्थान का रुख कर ले। बाड़मेर जिले के बालोतरा नगर के लूनी नदी रपट पर पाइपलाइन लीक हो रही है, लेकिन 100 मीटर की दूरी पर जलदाय विभाग का हेड ऑफिस होने के बावजूद इसकी कोई सुध नहीं ली जा रही। कुछ ही देरी पर बालोतरा पीएचडी का डिपार्टमेंट है, उसके पास में ये पाइपलाइन फूटी हुई है, लोगों को पानी नहीं मिलता है। ये पाइपलाइन लीकेज है और बालोतरा जनता को पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। आप थोड़ा देखिए इसको, पाइपलाइन पानी बह रहा है। एबीपी न्यूज सिर्फ राजस्थान नहीं, कई राज्यों का ये हाल देख रहा है और सरकारों को दिखा भी रहा है। जगह जगह से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों को हमने जुटाया और इनमें से कुछ की पड़ताल की। भोपाल और पटना में प्रशासन को कदम उठाने पर मजबूर भी किया। अब उम्मीद है कि दिल्ली और राजस्थान के बाड़मेर समेत बाकी जगहों पर भी प्रशासन हरकत में आएगा और लापरवाही के ये झरने जल्द बहने बंद होंगे। जिंदगी की हर बूंद हमारे घरों तक पहुंच सकेगी। बाबा, बाबा। पूर्णिया सिटी जानिए। Thank you.
पूड़िया सटी। कुड़िया सट्टी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कुड़िया सट्टी। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।